21 नवंबर को होगा वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम का ऐलान। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को मिल सकता है आराम। बांग्लादेश क्रिकेट टीम और भारत के बीच खेली गई T20 सीरीज के दौरान कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया था। अब कुछ दिनों से इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या अब रोहित शर्मा को वेस्ट इंडीज के साथ दिसंबर में खेली जाने वाली घरेलू सीरीज में आराम दिया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि 21 नवंबर को हो जाएगी, जब चयनकर्ता टीम का ऐलान करेंगे। रोहित शर्मा को मिल सकता है आराम। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालते हुए शानदार जीत दिलाई। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया 6 दिसंबर से वेस्ट इंडीज के साथ टीम इंडिया 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। माना जा रहा है कि टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को चयनकर्ताओं द्वारा आराम दिया जा सकता है। देखा जाए तो रोहित की साल की शुरुआत से ही लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा IPL वर्ल्ड कप 2019, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हें टेस्ट सीरीज के दौरान खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वह 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा रहे। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी वह टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट आगामी घरेलू वेस्ट इंडीज सीरीज में सलामी बल्लेबाज को आराम दे सकते हैं। 21 नवंबर को चुनी जाएगी टीम। 6 दिसंबर से शुरू होने वाले वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान 21 नवंबर को होगा। 21 नवंबर को MSK प्रसाद के नेतृत्व वाली चयन समिति टीम इंडिया चुनेगी। खबरों की माने तो अब उपकप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया जा सकता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर को खेली जाएगी। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को खेली जाएगी। टेस्ट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाने के बाद अब सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने सीमित ओवर क्रिकेट के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। मयंक टेस्ट में भी रफ्तार से रन बनाते हैं और बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। कुछ दिन पहले दीपदास गुप्ता ने भी कहा था कि यदि टीम मैनेजमेंट मयंक को बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल करती है तो यह टीम के लिए काफी अच्छा होगा। आपको बता दें कि KL राहुल को पिछले काफी वक्त से T20 फॉर्मेट में मौका नहीं मिला, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने शानदार अर्धशतक बनाया था। वहीं सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पर भी चयनकर्ताओं की नजर बनी हुई है। पिछले कुछ वक्त से धवन के बल्ले से कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं निकली है। ऐसे में धवन की जगह पर तलवार लटकी हुई है। रोहित शर्मा को ये मैच खेलना चाहिए या उन्हें आराम दिया जाना चाहिए? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।